केंद्र में बैठी मोदी सरकार के तानाशाही तीन काले कानून जिससे देश में किसानों की कमर तोड़ दी है। किसानों के द्वारा ढाई माह से दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान नेता अमित राठौर ने कहा, किसानों के विरोध मोदी सरकार के द्वारा तीन काले कानून बनाए गए, इसके विरोध में आज हमारे द्वारा नेशनल हाईवे कंचनपुर चौकी पर हम सब किसानों के समर्थन में इस तीन काले कानूनों के खिलाफ छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा 6 फरवरी को भारत देश के सभी राज्यों में दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक बृहद रूप से किसानों के द्वारा चक्का जाम आंदोलन का समर्थन करते हुए हम सभी किसान संगठन सहित विभिन्न पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता समस्त मोर्चा संगठन शामिल होकर चक्का जाम किया जा रहा है। इस संबंध में ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष कन्हैया कंवर किसान नेता साधेश्वर गबेल ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस कानून का किसान विरोध कर रहे हैं, ऐसे कानून को जबरिया किसानों के ऊपर नहीं थोपना चाहिए। मोदी सरकार हिटलर और अंग्रेजों के तानाशाही की याद देश को दिलाती है। किसानों पर ऐसे जुल्म इससे पहले कभी भी देखने को नहीं मिला। कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नगर कांग्रेस अध्यक्ष सहित कार्यकर्तागण उपस्थित थे। दिल्ली में कृषि कानून के समर्थन कर रहे हैं। उम्र का शरण लिया के बाद के आज पेट्रोल 90 से 100 हो गए और दिन ब दिन भाव बंद रख जाते हैं। ये देश कहां तक जाते हैं। हमारे भाजपा सरकार नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए जो तीन काला कानून लाया है, उस पर किसानों को जो नुकसान है वो सही किसान ही जानते हैं। हम खेती किसानी करते हैं, गांव में रहते हैं, तो हमें मालूम है कि ये जो तीन काला कानून है उससे हमें कितना नुकसान होगा। अतः हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहते हैं कि जो तीन काला कानून बनाए हैं उसमें MSP का निर्धारण नहीं है, तो कम से कम उसका मूल्य निर्धारण कर दें कि अब हम किसानों को इतना MSP देंगे। कर अगर MSP निर्धारित नहीं रहेंगे तो उद्योगपतियों लोग अनाप औने पौने दामों पर हमारा धान खरीदेंगे।